अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शादी कुमार रिहान, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट लेनोवो के सिक्स नोट के बारे में। व्यूअर्स, ये एक नोट फ़ोन है जो कि लॉन्च किया गया था सितंबर सन 2016 में, लेकिन अभी ये इंडिया और दीगर जो ममालिक हैं उनमें इसकी रिलीज़ हो रही है, और अभी ये आएगा इंडिया और दीगर मुल्कों में फॉर परचेज़, मार्केट में अवेलेबल होगा। इससे पहले अवेलेबल नहीं था, और इसकी फ़ीचर्स और दीगर जो इसकी हैं स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में बात करते हैं आज। तो चलते हैं इस नोट फोन के बारे में, तो देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है, इसकी प्राइस क्या है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में शामिल होंगी। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरा की, क्योंकि सब जब भी कोई मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन परचेज़ किया जाता है तो सबसे पहले जो उसकी ये चीज़ें देखी जाती हैं कि इसका ओएस क्या है, इसका कैमरा कितना है, इंटरनल एक्सटर्नल कितनी है, और इसमें रैम वगैरह कितनी है। तो सबसे पहले इन्हीं बातों की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। 16 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, 4 GB इसकी रैम है, 4000 mAh की बैटरी इसमें इस्तेमाल की गई है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसमें यूज़ किया गया है वो है 6.0 मार्शमेलो। तो इसके अलावा 170 ग्राम इसका तकरीबन वेट है, और इसके अलावा इसमें क्या क्या शामिल है, नैनो सिम एक इसमें है, सिंगल सिम है, और इसके अलावा जो दूसरी सिम है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, नैनो सिम ही, मतलब है कि डुअल सिम का इसमें अवेलेबिलिटी है, आप दो सिम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। साइज जो है इसका वो 5.5 इंचेस है, काफ़ी नॉर्मल मतलब ज़बरदस्त है, इतना ज़्यादा भी नहीं है और ना ही इतना कम है, नॉर्मल है। इसके अलावा मल्टी टच अवेलेबल है, और इसके अलावा 1.4 GHz इसमें प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, प्राइमरी कैमरा जो 16 मेगापिक्सल मैं पहले बता चुका हूँ थोड़ी देर में पहले, और 8 मेगापिक्सल जो इसका है वो फ्रंट कैमरा है, जिसे आप सेकेंडरी कैमरा कह सकते हैं, वो है जी टैगिंग, टच फोकस, फेस डायरेक्शन, HDR, पैनोरामा वगैरह के इसमें फीचर्स भी अवेलेबल हैं। तो इसके अलावा दीगर जो नॉर्मल ऑप्शन होते हैं वो तो इसमें अवेलेबल होते हैं, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह, इसके बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसमें लाजमी तौर पर होंगे। वाईफाई अवेलेबल है, हॉटस्पॉट है, और 4.2 जो ब्लूटूथ इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी ज़बरदस्त लेटेस्ट विजन इस्तेमाल किया गया। रेडियो FM रेडियो का जो ऑप्शन कुछ स्मार्टफोन में आना बंद हो गया था, मतलब है कि जस्ट इंटरनेट पर या वाईफाई पर फोकस किया जा रहा था, FM का जो रेडियो का ऑप्शन है वो क्लोज हो रहा था, तो वो भी इसमें अवेलेबल है अभी तक, इससे वो उसको ख़त्म नहीं किया गया। इसके अलावा USB जो है वो 2.0 माइक्रो USB इस्तेमाल कर सकते हैं चार्जिंग के लिए भी, और दीगर जो आप मतलब के फीचर्स के लिए भी, दीगर काम के लिए भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसर वगैरह जो हैं वो मैं फिंगरप्रिंट का सेंसर जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा दीगर कंपास और गायरो वगैरह के सेंसर भी मौजूद हैं, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो शामिल हैं ही, लेकिन बैटरी की अगर हम बात करें तो 4000 mAh की ज़बरदस्त लीपो की बैटरी इसमें मौजूद है। आप इसको 3G के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 2G के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 4G का कोई ऑप्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो यकीनन इसमें नहीं होगा 4G का ऑप्शन, अगर होता तो फोकस किया गया होता उस पर, 4G इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है, और आप इसके बारे में सोच सकते हैं पहले से कि अगर आपको 4G इस्तेमाल करनी है तो आप फिर इसको परचेज नहीं करें, अगर आपको 3G और 2G पर ही इस्तेफादा करना है तो फिर आप ले सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड, डार्क ग्रे कलर में ये अवेलेबल है, तो आप इसको इसके बारे में सोच सकते हैं कि अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और अगर व्यूअर्स आपको इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट है, आप टेक न्यूज़, लैपटॉप के बारे में और डेस्कटॉप के बारे में, मोबाइल स्मार्टफोन के बारे में, फीचर्स फ़ोन के बारे में, जो भी जिस तरह के भी लॉन्च होंगे उनके बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और
अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक वगैरह के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, आप उन पर भी मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मैं ज़रूर आपके काम आऊँगा। फिलवक्त के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।